व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनशिड टीवी राइडर्स इन कानपुर। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का 9:30। तो गुड मॉर्निंग आपको। तो फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट आए थे कि भाई आपको व्हीली पे वीडियो बनाओ, व्हीली का ट्रिक कैसे होता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको व्हीली का ट्रिक सिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये ट्रिक कैसे अप्लाई होता है। तो अभी तो मॉर्निंग का वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया अकेले, क्योंकि पुनीत और सिद्धार्थ आ नहीं पाए, तो इसलिए मैं ही आपको तब तक बताता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हैं जो इस ट्रिक को लेके आपको ध्यान में रखनी होंगी, कि आप किस तरह से अपना गियर सेटअप यूज़ कर रहे हैं, आपका साइकिल किस तरह से कस्टम है, काफ़ी सारी बातें हैं, और आपको ब्रेकिंग पे ध्यान देना होगा। तो दिखाते हैं आज के वीडियो में आपको। गाइज, अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपना गियर सेटअप कैसे करना है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो ये रही मेरी साइकिल, आपको दिख रही होगी, अभी सो रही है ज़मीन पर पड़े पड़े। तो फ्रेंड्स, आप देखिए क्रैंक पीछे वाला फ्री व्हील, आप देख सकते होंगे इसमें अभी आपको 7 स्पीड दिख रहे होंगे। मैं काउंट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाला 7। तो आपको व्हीली का ट्रिक करते टाइम ऑलवेज़ फर्स्ट गियर यूज़ करना है, क्योंकि ये गियर काफ़ी फ्री होता है और आप इस पे व्हीली को काफ़ी अच्छे से हाइट दे सकते हैं। और आगे के गियर पे भी आपको फर्स्ट गियर यूज़ करना है, छोटा वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इससे आपको व्हीली का हाइट देने पे काफ़ी यूज़ होने लगा है। और आपको अपने ब्रेक्स के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि व्हीली की ट्रिक पे जब आप थोड़े से मास्टर हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको ब्रेक से व्हीली को बैलेंस करने के बाद फिर आपको उसको एक नए पॉइंट से फिर शुरू करना होता है। तो फिलहाल ये आगे का ट्रिक है, अभी आप बेसिक सीखिए, और हो सके तो आप हैंडल बार थोड़ा सा बड़ा यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं 780 mm का हैंडल बार ऑनलाइन मंगाया था, तो फिर मैंने उसे अभी कटवा रखा है, क्योंकि जितनी मुझे ज़रूरत है उतना बड़ा मैंने इसको 760 mm का यूज़ कर रहा हूँ। तो क्योंकि बड़ा हैंडल बार व्हीली के ट्रिक के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप उसे शोल्डर से व्हीली को बैलेंस कर पाते हैं। तो इतना काफ़ी है, आप अपनी साइकिल का ब्रेक्स मेंटेन रखिए और कोशिश करिए कि साइकिल कहीं से ढीली ना हो, कि पता लगा व्हील इधर उधर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, आप उसको अच्छे से थोड़ा फिट रखिए ताकि आप उसको लीन कर सकें व्हीली के ऊपर। तो सो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपको हेलमेट के ऊपर ध्यान देना होगा कि आप हेलमेट यूज़ करें, क्योंकि ये ट्रिक पे व्हीली ओवर होने पे आप पीछे की ओर गिर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप हेलमेट ज़रूर यूज़ करें। तो सबसे पहले आपको पोजीशन लेना है साइकिल पे, और उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट लेग से ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं या राइट लेग से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैर यूज़ कर रहे हैं व्हीली को हाइट देने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ताकत से कुछ नहीं होने वाला, आपको ट्रिक यूज़ करना है कि जब आपको व्हीली जब आप व्हीली को हाइट देंगे, तो आपको अपने शोल्डर मतलब शोल्डर और हाथ से उतना ही प्रेशर लगाना है जितना कि आप अपने पैर से लगा रहे हैं। तो देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं ये ट्रिक दोबारा पे, कि आपको व्हीली हाइट कैसे देनी है, आपका पैर कैसे रखना है। तो आपको अपना पैर वो रखना है जिससे आप व्हीली को हाइट देंगे, और उससे पैडल को ऊपर की ओर उठाना है थोड़ा सा, और उसके बाद आपको हैंडल बार पे फोकस मतलब फ्रंट पे फोकस करना है और व्हीली को हाइट देनी है ईजिली, कोई और हाथ से खींचना नहीं है, सिर्फ पैडल से फोर्स करना है, हाथ से कोई ताकत नहीं लगानी है। आप यहाँ पर उमड़ती भीड़ देख सकते हैं जो हमारे स्टंट को देखने के लिए लगी हुई है। तो अभी तक आपने देखा कि व्हीली को हाइट कैसे देनी है, सिद्धार्थ ने सिखाया। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सिद्धार्थ ने किया, मैंने क्यों नहीं किया। तो मैं वीडियो शूट कर रहा था, वो समझा रहा था, तो आपको कुछ समझ नहीं होगा कि आपको व्हीली को हाइट कैसे देना है। आपको हाथ से फोर्स नहीं लगाना है, आपको पैडल से फोर्स करना है, और उसके बाद हाथ से केवल इतना फोर्स लगाना है कि साइकिल एक लिमिटेड हाइट तक जाए। अगर आप ज़्यादा फोर्स करेंगे हाथ से करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं उसके बारे में आपको अभी दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि लोग व्हीली पे क्या करते हैं मोस्टली, ये ट्रिक आपको नहीं अप्लाई करना है व्हीली करते टाइम, आपको केवल अपने पैर से फोर्स करना है। आप उस पैर से फोर्स कर सकते हैं जिस पैर से आप ज़्यादा ताकत लगा सकते हैं, आपको हाथ से फोर्स नहीं करना है, क्योंकि भाई हाथ से ताकत लगाने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे व्हीली नहीं आने वाली, आपको पैर से फोर्स करना है। तो पैर से फोर्स करना, अभी सिद्धार्थ से मैंने समझाया कि आपको हाइट कैसे देना है, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। सो
गाइस होप यू कि आपको आज का ट्रिक समझ में आ गया कि आपको व्हीली का कैसे अप्लाई करना है अपनी एमटीवी पे। और अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और आप वीडियो में क्या चाहते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियोज एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।